अभी 3:30 बज चुके हैं और अभी रामदेव को भी भूख लगी, ओम को भी भूख लगी, लेकिन ओम ने स्ट्रिक्टली बोला है कि और कुछ खाना नहीं है अभी, ओम को सिर्फ मफिन्स ही खाने हैं, ऐसा बोला है ना। हाँ। मुझे वो नहीं चलेगा, मैं चिप्स बना दूँ, चिप्स अच्छी वाली चिप्स, मीठू सॉस। ओम को कुछ स्पेशल चाहिए, स्पेशल चाहिए, लेकिन योगर्ट नहीं है अभी मफिन्स के लिए, लेकिन मैं छाछ डाल के बना देती हूँ, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ रोटी की सब्ज़ी, तो ये रोटी के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए, यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है, तो इसमें मैं पहले इसमें मैंने प्याज एंड ग्रीन चिलीज है तड़का लगा के, बहुत अच्छी बनती है रोटी की सब्ज़ी, गर्म गर्म अच्छी लगती है। थोड़ा सा ये लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें ऐड कर देती हूँ, ये रोटी है पहले इसको ऐड कर देती हूँ, कोई कोई लोगों को ये बहुत नया लगता है कि रोटी की सब्जी कैसे बनती है, लेकिन जिन लोगों ने खाई ही होगी उनको पता होगा अच्छी बनती है। मम्मी भी, मम्मा के घर में पापा भी नहीं है आज, हम तीनों लोग भी नहीं है, और राजू अभी चला रहा है खेत में ट्रैक्टर। तभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, इसमें हल्दी नमक जीरा पाउडर सब कुछ ऐड कर दिया, इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने ग्रीन चिलीज डाली है ये बहुत स्पाइसी है, तो रेड चिली पाउडर या रेड चिली कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये थोड़ा सा इसमें ऑयल में अच्छे से सेक लिया है, तो अब मैं इसमें खास ऐड कर दूँगी, इसे भी खा सकती है ड्राई वाली भी, ये भी अच्छी लगती है, लेकिन इसमें भी खास मिला के एक अलग ही टेस्ट आ जाएगा इसका पूरा। तो यहाँ पे है हमारी गाय की छाछ, मैं डाल देती हूँ, अब ये छाछ में 5 मिनट के लिए कुक हो जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसका पूरा। तो अभी यहाँ पे हमारा सब्जी ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और यहाँ पे मैं उनके लिए मफिन्स बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा मक्खन ऑयल एंड शुगर ऐड किया है, इसको पहले अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी भूख लगी थी जम के, ओम को भी लगी है, लेकिन ओम को कुछ बहुत कम ऐसा पाया जाता है कि ओम बोलता है कि मुझे कुछ खाना है, आज बोल रहा था, लेकिन भारती ने उसके लिए कुछ बना रही है, बहुत ही कम टाइम, ये अच्छा बनाती है भारती रोटी की सब्जी, और मुझे भी भूख लगी थी, ऐसा हम ऑलरेडी धन्य हो गए है आपको हमारे एज ए पुत्र पाके, आप हमारे घर में अवतरे हो इसलिए हम ऑलरेडी धन्य हो गए हैं। लकी वाली बात कहाँ से है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो सिर्फ और ये आज बनाया है स्पेशल, क्योंकि रामदेव कम बोलता है सामने से कि मुझे भूख लगी, मैं पूछती हूँ रोज कि भूख लगी आज मुझे लगी थी भूख, ये अभी थोड़ी सी गर्म है, ठंडी हो जाए, तुम्हें भी खाना है ना, हम दोनों साथ में खाया करते थे एक ही थाली में, थोड़ी सी गर्म है, साथ में खाना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। तो ओम के लिए मफिन की तो पूरी होती है, वो रेडी हो गए हैं, इसमें के अभी बनाती हूँ, अभी आया था ऑलरेडी एक बार चेक करने की मम्मी रेडी हो गए मफिन, अभी नहीं अभी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बन गए हैं ओम के मफिन्स रेडी, ऊपर मैंने ये जो चॉकलेट चिप होती है वो ऐड की है, जैसे भी बने पता नहीं, कभी मेरे से अच्छे बनते हैं कभी नहीं बनते, लेकिन इसमें ओम कुछ भी कंप्लेन नहीं करेगा, ये खा जाएगा अभी, लेकिन कभी कभी बनाती हूँ जैसे 15-20 दिन में एक बार, इसमें साथ में मक्खन और घी डाल देती हूँ ज़्यादा, तो मफिन के बहाने चले जाते हैं। तो आज मफिन्स बहुत ही अच्छे बने, इसे कट भी करते तो पूरे जैसे शॉप में से लेते उससे भी अच्छे बनते, क्योंकि अब जो बाहर से लेके आते हो ओम को वो अच्छे लगते नहीं है, वो खाता भी नहीं है, तो घर पर बनाते वही खाता है।
ये इतना ज्यादा खाते नहीं है सिर्फ, लेकिन इसकी टोपरा पाक बना के खा सकते हैं। टोपरा पाक मेरी स्वीट सारी चीज जो स्वीट जितनी भी है इसमें मेरा एक फेवरेट चीज है, तो वो टोपरा पाक है। स्वाति को नारियल से बनी हुई हर एक चीज अच्छी लगती है, जैसे बाउंटी चॉकलेट वहाँ पे खाती थी पहले पहले खाती थी और मैं बहुत लाता था, फिर इसने बंद कर दिया। अभी भी मैं खा सकती हूँ, तुम लेके आना, डोंट वरी। अभी लाएंगे तो खाएगी, लेकिन एक दो बार खाएगी फिर छोड़ देगी। और इसमें से गेहूं की जो बनती है ना स्वीट ठेफली जो हम बोलते हैं एक टाइप के, वो काजल के लिए बनाई थी तो वो अच्छी बनी थी, तो मुझे वो भी बनानी है, लेकिन आज इसका सिर्फ टोपरा पाक बना देती हूँ आई थिंक, है ना। टोपरा पाक बनाओगी? हाँ, इसमें टाइम नहीं लगता, बस 15-20 मिनट में हो जाता है। इसको क्रश करना पड़ेगा ना, पहले इसको क्रश करके फिर घी में सेक लेना है। अच्छा, साउथ वाले ना ये इसका क्रश बहुत यूज करते हैं ना चटनी में, वो डोसा के साथ कोकोनट चटनी होती है ना। श्रीलंकन शॉप में काम करता था, एक सुपरमार्केट थी ऑफ लाइसेंस, तो उसमें एक मशीन था ऐसे गोल बना हुआ और उसमें काटे काटे से, तो कोकोनट को आधा काट के उसमें रख दो तो फिर वो ऐसे निकलता है और पूरा कोकोनट का क्रश निकाल देता। तो वैसे ही हमें करना है, लेकिन हम मिक्सर में करेंगे क्योंकि वो डोसा में सभी में कोकोनट चटनी बहुत यूज करते हैं ना। कोकोनट चटनी बनती भी अच्छी है, मैं भी एक दिन ट्राई करनी है, अभी देखेंगे। तो एक दो तीन चार, चार का निकाला अभी, तो मैं इसको जल्दी वॉश कर देती हूँ पहले। नया मिक्सर ट्राई करे आज? हाँ, वो मैं लाया हूँ ना। देखो मैं कितना अच्छा पति हूँ, किचन की तुम चीज मंगवाती हो, मैं सीधा लाता हूँ। लेकिन मैंने फोटो भेजी थी ऑलरेडी, यही लेके। आपको कोई कंप्लेन है आपके पति के बारे में? नहीं। जब ये सवाल पति खुद पूछेगा तो कंप्लेन नहीं होगी। नहीं, मुझे दुनिया का कोई भी आदमी पूछेगा मैं यही आंसर दूंगी या वो। चलो अब जल्दी करते हैं वरना लेट हो जाएगा। तो ये है हमारा नया मिक्सर, मैं राजकोट गया था तब लाया था, गया था या तो हम गए थे, पता नहीं हम गए थे पार्टी के हेयर ट्रीटमेंट करिए, तब भारती ने बोला था कि ये ले लो ना, मैंने ये लिया था, ये अच्छा है, ये मॉडल भारती ने खास इसका रिचार्ज करके फिर लिया है। ये ड्राई और वेट दोनों के लिए अच्छा, ड्राई जैसे हम जीरा सब कुछ वो बनाते हैं ना, और इसमें तीन वेट। और आप में से बहुत लोगों के पास होगा ये, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर, जैसे कि मैं नॉट मे बी श्योर, Maybe. Oh, तुम भी। हाँ, वो तो है, मैं बाप होगा तो बेटा भी पॉपुलर होगा। यहाँ पे बन रहा है रोटला पहले, मम्मी बना रहे, मम्मी बना रहे, मम्मी जनरली वो लकड़ी पे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आज मम्मी बना रहे हैं फेवरेट चीज, जिसमें पहले शुगर डालनी है और फिर इतना ही दूध डालना है, एक कटोरी शुगर एक कटोरी दूध। रेसिपी तुम्हारे पास तैयार है इसका मतलब? यस यस, मैंने देखी है ऑलरेडी। और ये अभी इसको ऐसे ही रहने देना, गर्म होने देना है 5-10 मिनट के लिए। मिक्स कर रही हूँ शुगर एंड दूध को, अभी 3-4 मिनट हो गए, अभी मैं चेक करने वाली हूँ इसको। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको गरम किया, अभी बंद कर देती हूँ कोकोनट को, थोड़ा सा घी ऐड करके, क्योंकि जो घर का कोकोनट होता है ताज़ा वाला, वो सीधा ही जैसे हम थोड़ा सा पानी का भाग होता है इसमें, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको सेक लिया है। और अभी मैं इसको चेक करती हूँ कि ये रेडी हो गया या नहीं, तो अभी ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अभी इसका चेक क्या करना है, इसको इसका एक ड्रॉप है वो कोई भी प्लेट में डालना है, जो मैंने यहाँ पे डाला है, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर देखना है कि वो ईजिली मूव नहीं करता, तो इसका मतलब कि हो गया, तो आपको शायद दिखेगा, तो इतना ईजिली अभी ये मूव नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर ये स्टिकी वाला, इसका मतलब कि हो गया। तो अभी मैं इसमें ये पूरा जो कोकोनट का है मिक्सचर को ऐड कर देती हूँ। इसमें कोई लोग फूड कलर भी डालते हैं या फिर इलायची पाउडर, इसमें सबसे अच्छा जाता है, अभी है नहीं इलायची पाउडर तो मैं अभी कुछ नहीं डाल रही हूँ, और हम देखो ज़्यादा प्लेन ही अच्छा लगता है, वरना इलायची पाउडर कोकोनट जो टोपरा पैक बनाते हैं इसमें अच्छा रहता है। ये अभी रेडी हो गया, पता नहीं कैसा बन रहा है, टोपरा पैक हम बोलते हैं क्योंकि हम कोकोनट को टोपरा भी बोलते हैं ना, और नारियल भी बोलते हैं, और फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बना रही हूँ, ये कुछ नया तरीका है। मोस्ट ऑफ टाइम बात ये क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया, अभी वो वर्ड नहीं आएगा।
से ट्रायल साइंटिस्ट वगैरह एक्सपेरिमेंट हाँ कभी कभी ये वर्ड नहीं आता सामने एक्सपेरिमेंट करती है जिसमें कभी सक्सेस होती है कभी कभी नहीं होती आज इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये रबड़ी पाक टोपरा रबड़ी पाक हो गया वैसे अभी तो ये जमेगा है ना ज्यादा नहीं जमेगा नहीं जमेगा क्योंकि वो शुगर है ना चाशनी वो जम जाती है मैं एक्सपर्ट हूं यार कुकिंग का मुझे आई थिंक थोड़ा सा और डालना पड़ेगा शायद टोपरा थोड़ा सा और तो अभी निकाल लेंगे नहीं ये जमेगा ट्रस्ट मी ये जमेगा लेकिन ज्यादा है थोड़ा सा लेकिन ये जैसे ही ठंड की वजह से वो होगा ना ठीक हो जाएगा ने इसको मिक्स कर दिया थोड़ा सा अभी सॉफ्ट लग रहा है लेकिन अभी इसको अच्छे से मैं प्लेट में रख देती हूँ इसमें मैंने थोड़ा सा एक दो स्पून जितना घी भी ऐड कर दिया तो पता नहीं मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा टेंशन है कि कैसा बनेगा लेकिन सुबह उठ के देखूँगी कि कैसा बना है तो अभी यहाँ पे टोपरा पाक है अभी देखना है ये हाँ कल जमेगा या नहीं या कैसा होगा आई थिंक सुबह तक जम जाएगा ये क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड रह गया था और ये हल्दी क्या करूँ भाई बहुत हेल्दी होती है खाने में इसमें नमक एंड लेमन डाला हुआ है इधर दे दो हेल्दी है तो ले लो खेल रहे ये आईक्यू फिट लास्ट गेम तो अभी ओम कोशिश करेगा पहले ओम तुम शेप का देख सकते हो ठीक है ऐसे ही कि कौन सा कहाँ पे आ सकता है जिसके दोनों एक साथ होंगे ऊपर ही आएगा इसमें अभी दिमाग लगाते हैं और इसके बाद ये वीडियो होगा खत्म नहीं हाँ देखो यहाँ पे लेकिन बाकी रह गया ना दिमाग लगाओ धीरे धीरे करके ठीक है ये चार वाला ऊपर आ सकता है ये तो मैं पूरे होल भरने लेकिन वो एक रह जाएगा और यहाँ पे देखो तीन भी आ सकते तीन वाला यहाँ पे आ सकता है पहले एक यहाँ पे लगाने की कोशिश करो ठीक है ओके अभी ये यहाँ पे जाएगा इसको रहने दो एक मिनट इसको लास्ट में लगाना ठीक है ये ट्राई करो पहले ऊपर यहाँ चार वाला अभी एक और चार वाला आ सकता है यहाँ पे है ना देखो ऐसे लगने वाला था ऐसे था हाँ टन 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 अभी इसको खोलना नहीं ऐसे बंद कर दे 26 का है ये 26 कंप्लीट ओके ठीक है अभी हम जूनियर में पहुंच गया तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहाँ पे खत्म जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय कीप वॉचिंग